स्वागत है भाई लोग आज की इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में बुया बास्केट इवेंट कैसे कंप्लीट कर सकते हो ये मैं बताने वाला हूँ। देखो हल्का कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए वीडियो को अच्छे से देख के समझने की कोशिश करना। सो यहाँ पे आपको ढेर सारे यहाँ पे मिशंस दिख सकते हैं। यहाँ पे पहले डेली लॉग इन है, उसके बाद फिर प्ले FF1 मैच, यानी कि आपको एक बार FF खेलने के लिए कहा जा रहा है यानी कि फ्री फायर, उसके बाद फिर 3 बार और उसके बाद फिर एक बार अपने फ्रेंड के साथ कहा जा रहा है यानी कि आपके जो लॉबी में फ्रेंड होगा उसके साथ आपको खेलना है। ठीक है, सो पहला हम लोग बॉल अपना कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, बेसिकली ये बास्केट बॉल है, बहुत लोग फुटबॉल बोल रहे थे बट नहीं यार ये बास्केटबॉल है। और ये जो ये दिख रहा है ये बास्केट है, ठीक है ये बास्केट है, ये टोकरी नहीं है, मतलब कह सकते हो टोकरी ही है, मतलब टोकरी जैसा ही है। सो देखो बेसिकली यहाँ पे अपने को सिखाया जा रहा है कि कैसे इसको बास्केट करना है। देखो इसको बास्केट करना हल्का टफ है इसलिए तुम देखो वीडियो को अच्छे से तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अगर आपने कभी नेड किया यानी कि जो ग्रेनेड होता है, ग्रेनेड से अगर किसी को मारा है तो काफ़ी ज़्यादा आपको ईजी रहेगा। देखो मेरा अधिकतर गेम प्ले नेड से होता है सो मेरे लिए काफ़ी सही इवेंट आया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आपको कितनी बार बुया करना होगा, यहाँ पे आपको 50 टाइम्स बुया करना होगा तब जा करके आपको ये मिलने वाला है। ठीक है, जो टॉप का अपना प्राइस है, देखो इंडियन सर्वर में ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पे लूट बॉक्स का स्किन आ जाएगा लेकिन पूरा इवेंट यही रहेगा, बस रिवॉर्ड यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। सो देखो पहले यहाँ पे अपने को बॉल को टच करके अपने को एम लेना है। ठीक है, बात करें एम कैसे लेना है तो देखो यार काफ़ी ज़्यादा इसमें मुश्किल होने लगा। अगर आप राइट की तरफ इसको ले करके जाते हो, अपने फिंगर को इसको टच करके अगर राइट की तरफ ले करके जाते हो तो एम आगे की ओर आएगा और उसके बाद फिर आपको इसको सिंपली छोड़ देना है। ठीक है, जैसा कि आप तुमने स्क्रीन पे देखा होगा और ये बहुत स्लोली साइड यहाँ पे देख लो यहाँ पे बास्केट के अंदर जाने वाला है। ठीक है, सो इतना स्लो जाएगा देखो मेरे को अंदाजा नहीं था, और अगर इस टाइप का शूट करते हो तो नहीं जाने वाला जैसा कि तुम देख सकते हो। चलो अब सेकेंड ट्राई करते हैं और सेकेंड ट्राई में देखते हैं कैसे होता है और कैसे नहीं होता। सो देख सकते हो अपना फर्स्ट जो अटैम्प्ट है वो ख़त्म हो चुका है, बाकी इसको बैक कैसे करना है देखो यहाँ पे ये अपना पूरा टाइम लेगा ही लेगा। ठीक है, और यहाँ पे 30 पे यहाँ पे काफ़ी सही का यहाँ पे अपने को स्केटबोर्ड मिला। चलो सेकेंड टाइम करते हैं, रेडी टू गो, यस अपन रेडी है। ठीक है, सो यहां से टच कर लिया, देख लो मैं फिंगर से, तुम्हें पता चल रहा होगा मैं किधर की और अपना जो फिंगर है वो लेकर के जा रहा हूं। देखो नीचे के साइड पे लेके जाओगे तो ऊपर जाएगा। ठीक है, इतना मेरे ख्याल से ठीक है। तो चलो अपन लोग अब छोड़ देते हैं इसको। तो देखो जानबूझ करके मैंने अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग का जो क्या कहते हैं फिंगर वाला होता है उसको ऑन करके रखा है कि बेसिकली आप अच्छे से समझ सको कि कैसे आपको शूट करना है। देखो अपना बुया हो चुका है एक बार, ठीक है, और इतना फील हो चुका है। तो उम्मीद है पूरा इवेंट अच्छे से समझ गए होगे। वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। आज की वीडियो में बस इतना ही, चलता हूँ, टाटा बाय, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।